अयोध्या में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने केस दर्ज होने के कुछ ही घंटे में आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर लिया है। वो पुलिस टीम पर फायर कर भागने की कोशिश कर रहा था। थाना महाराजगंज के ही एमी आलापुर रोड पर तारापुर गांव के पास ये एनकाउंटर हुआ। बदमाश सलमान ने 4 साल की मासूम के साथ रेप करने का आरोप उस पर लगा है। और अगली खबर आगरा से, जहां पर एक परिवार फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गया। परिवार के 8 लोग बीमार हो गए और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 सदस्यों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कुट्टू के आटे का खाना खाने से तबीयत खराब हुई थी। मामला थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र का बताया गया। बांदा के गिरवा थाना क्षेत्र में एक ऑटो और बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। घटना खुरहंड गांव के पास की बताई गई। बांदा में जन्माष्टमी के दिन तालाब में नहाने गई 16 साल की नाबालिग गहरे पानी में जाने से डूब गई। स्थानीय लोगों ने नाबालिग को निकालकर अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला हमीरपुर जिले के मटौंद थाना क्षेत्र का है। मुरादाबाद में रिटायर्ड बैंक मैनेजर की हत्या का खुलासा हुआ है। बैंक कर्मी एक महिला सहित 3 आरोपी गिरफ्तार कर चुका है। बैंक कर्मी ने एक महिला से मृतक को हनी ट्रैप कराया था। दरअसल मृतक बैंक से रिटायर होने के बाद भी लोन के मामले में दखल देता था, जिसके बाद आरोपी बैंक कर्मी ने उसे साजिश में फंसाया। महिला के जरिए हनी ट्रैप किया गया और फिर गला दबाकर हत्या कर दी गई। पूरे मामला का खुलासा करते हुए पुलिस ने बैंक कर्मी और हनी ट्रैप करने वाली महिला समेत 3 को जेल भेज दिया है। पुलिस ने करीब 800 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद इस मामले का खुलासा किया है। इस दौरान मुरादाबाद जनपद के करीब हमने 700 से 800 सीसीटीवी कैमरे खंगाले। उसमें हमें एक वाइट कलर की गाड़ी हमें दिखाई दी और जो मृतक था, मृतक भी की बाइक दिखाई दी और बाइक में जहां जाकर रुकती है गाड़ी भी उससे पहले रुकती है, तो हमें उस गाड़ी पे शक हुआ। गाड़ी का हमने नंबर निकलवाया, वो हमने सीसीटीवी और जो जितने भी यहां पर टोल नाके हैं उनके कैमरों से हमने मदद लेकर गाड़ी का नंबर हमने ट्रेस किया। गाड़ी के नंबर ट्रेस करते हुए हम अभियुक्त तक पहुंचे। शामली में एक महिला की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक युवक और युवती को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी प्रेमी प्रेमिका हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक युवती को पसंद करता था। जोर जबरदस्ती के दौरान ही आरोपी ने युवती की हत्या की थी। आपको बता दें, दोनों आरोपी मृतक महिला के गांव के ही रहने वाले थे, जिन्होंने 4 दिन पहले महिला की हत्या की थी। हत्या के बाद मृतक के परिवार ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। दिनांक 22 अगस्त 2024 को ग्राम ख्यौड़ी पुलिस स्टेशन थाना भवन में एक महिला की जो है गला घोट करके हत्या की गई थी। इस केस के अनावरण हेतु एडिशनल एसपी शामली के पर्यवेक्षण व सीओ थाना भवन के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। उन सभी टीमों ने कार्य करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अभियुक्तों में एक महिला है और एक पुरुष है। सोशल मीडिया में एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा था कि गाजियाबाद की एक पॉश सोसाइटी के फ्लैट में मदरसा चलाया जा रहा था। फ्लैट में मदरसे का सच आखिर क्या है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। गाजियाबाद की एक पॉश सोसाइटी में एक वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ की एक सोसाइटी में एक फ्लैट को मदरसा बनाने की कोशिश हो रही है। तो
देखिए इस वीडियो में कुछ बच्चे पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मामला चित्रावन सोसाइटी का है। यहाँ के गार्ड ने लिखित तहरीर दी थी कि कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की थी और एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस जांच के लिए पहुंची। जांच में एक महिला कुछ बच्चों को पढ़ाते मिली है। ऐसा बताया जा रहा है कि महिला की बेटी बीमार है, जिसे ठीक करने के लिए वो पाठ करा रही है। इसी दौरान कुरान पाठ में आए लोगों से जब गार्ड ने पूछताछ की तो उसके साथ मारपीट की गई, जिसको लेकर केस दर्ज हुआ है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। जब ये कुरान का पाठ करके लोग जाने लगे तो गेट पर मौजूद कुछ लोगों के द्वारा उनके साथ रोक करके पूछताछ की गई थी, जिसके बाद इनके द्वारा उनके साथ मारपीट की घटना कारित की गई थी। इस संबंध में थाने पे तहरीर प्राप्त हो गई है। उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वीडियो चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। फिलहाल जांच में मदरसा चलाने जैसी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन वीडियो वायरल है और चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बरेली में मिठाई की फैक्ट्री पर एसडीएम सदर और फूड विभाग ने छापेमारी की है। वहां से बरामद हुई खराब मिठाई को नष्ट कराया गया। तत्काल फैक्ट्री को सील किया गया। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए गए। भोजीपुरा थाना क्षेत्र के पीपल साना चौधरी इलाके में ये कार्रवाई की गई है।